previous topic of ours is airport site selection, ठीक है। तो हमने सिक्स सेमेस्टर में डैम साइट सिलेक्शन पढ़ी थी। तो साइट सिलेक्शंस मोर और लेस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की सेम होती है। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये एक थेरेटिकल टॉपिक है। इसका वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थेरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने पसंद नहीं होते, तो वो प्रेफर करते हैं एयरफोन्स लगा के एक यूट्यूब वीडियो देखने का, ताकि उनका वो वर्बल सब कुछ वो सुने एंड उनको बुक ना पढ़नी पड़े। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि उनको सिर्फ एक वीडियो में सारे साइट सिलेक्शंस के जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो हमारा पहला जो एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन का पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो क्या है। वो है एटमॉस्फेरिक एंड मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक प्लस मीटरोलॉजिकल कंडीशंस। ओके, अब इन कंडीशंस में क्या है वो देख लेते हैं। हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, मैंने आपको बोल दी थी कि मीटरोलॉजिकल कंडीशंस इज द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ऑल इट्स फेनोमेना, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना होता है, आपको देखनी होती है जिस एरिया में आप अपना एयरपोर्ट बना रहे हो वहां फॉगी कंडीशंस हैं या मिस्टी कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस है वो आपको इवेल्युएट करनी होती है। हेज आपको देखनी होती है कि आपके उस एरिया में हेज कितनी है, और आपको स्मोक कंडीशंस देखनी है कि क्या जिस एरिया में आपने अपना एयरपोर्ट बनाया कहीं वो इंडस्ट्रीज के आसपास तो नहीं है जहां बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इन तीन चीजों की वजह से हमारी विजिबिलिटी मैग्नानिमसली रिड्यूस हो जाती है और हमारा एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन फीजिबल नहीं रहता, ठीक है। पोअर विजिबिलिटी की वजह से एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक कैपेसिटी एक एयरक्राफ्ट की कम हो जाएगी, इसीलिए ये तीन चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है, ठीक है। फॉग किन एरियाज में ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है, फॉग उन एरियाज में ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है वेयर देयर इज लिटिल विंड, और ये लिटिल विंड किस वजह से होती है, ड्यू टू द डिफरेंट टोपोग्राफिकल कंडीशंस। मान लीजिए आपका जो एयरपोर्ट है ये एक वैली में सिचुएटेड है, एक ऐसी वैली में सिचुएटेड है जो बहुत डेंसली सराउंडेड है बाय हिल्स। जब वो बहुत डेंसली सराउंडेड है बाय हिल्स, इट मींस आपका विंड जो है उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है हिल्स का, और आपकी विंड्स एंटर नहीं कर पाती है आराम से आपकी वैली में, जिस वजह से आपकी विंड उस वैली में कम हो जाती है और आपका फॉग इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी वैलीज में भी हमारी एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन फीजिबल नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद स्मोक और हेज भी हमारी साइट पे नहीं रहने चाहिए। स्मोक और हेज कब रहेंगे, जब इंडस्ट्रीज हमारे एयरपोर्ट साइट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रह जाएगी, वहां पर हमारा हेज और स्मोक बढ़ जाएगा और हमारी एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन फीजिबल नहीं रहेगी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, वेदर रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं। अब हम मीटरोलॉजिकल कंडीशंस पे आ जाते हैं, फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो हम सारे वेदर रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उन वेदर रिकॉर्ड्स को हम अच्छे से स्टडी करते हैं, चाहे वो रेनफॉल रिकॉर्ड हो, स्नोफॉल रिकॉर्ड हो, या कोई भी प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड हो, हम वो स्टडी करते हैं और उसको फिर हम कम्युनिकेट करते हैं विद आवर एविएशन नीड्स कि हमारा एयरपोर्ट कहां पर बनना चाहिए, वहां रेनफॉल कैसा हो रहा है, कहीं हमें अपनी साइट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स तो नहीं होते, तो उसी हिसाब से फिर हमें अपनी साइट जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। विंड डेटा जो हमारा है, विंड डेटा वो ऐसे हमें स्टडी करना है विंड डेटा कि हमें मिनिमम ब्लोइंग ऑफ स्मोक हो जाए फ्रॉम द सिटी, जो हमारा मिनिमम ब्लोइंग ऑफ। तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो ये एयरपोर्ट साइट है ये ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां आपकी अच्छी खासी विंड ब्लो करती है, मतलब अगर आपका हिली एरिया में भी एयरपोर्ट लाई कर रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप ऐसी साइट सिलेक्ट करो अपने एयरपोर्ट की जो विंडवर्ड साइड से हो, जहां डायरेक्ट विंड का स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था हेड विंड का कॉन्सेप्ट, तो हमें हेड विंड बहुत ज्यादा एडवांटेजेस प्रूव करता है इन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसी साइट देखनी चाहिए जहां जो हमारा विंडवर्ड साइड हो, जहां पर हमारी मैक्सिमम विंड्स स्ट्राइक करती हो, ठीक है, और हमारा स्मोक कम रहना चाहिए, हेज कम रहना चाहिए, फॉग कम रहनी चाहिए, तो वो हमारी फीजिबल एयरपोर्ट साइट हो जाएगी। तो ये था पहला। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है जो कि हमारी एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन। ऑब्वियसली हमारा जो एयर ट्रैफिक है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कभी आपका एयरपोर्ट अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, ऐसा कंडीशन भी आ सकती है आपकी एयरपोर्ट के पास कभी कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम कर ले, नाइट फ्लाइट्स रिज्यूम कर ले, तो आपका एयर ट्रैफिक जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपको कभी क्या करना हो जाता है, कभी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको ज्यादा
रनवेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ज्यादा टैक्सी वेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, एप्रन ज्यादा प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उस वजह से आपको क्या होना चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे एरिया में अपना एयरपोर्ट नहीं बना सकते जिसकी विसिनिटी में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर्स बने हो जो आप उठा नहीं सकते। मान लीजिए रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हो, वो उठा नहीं सकते। उसकी विसिनिटी में हॉस्पिटल्स बने हो, वो नहीं उठा सकते। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर हम नहीं उठा सकते तो वो साइट हमारे एयरपोर्ट के लिए सूटेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम फिर वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। या डिस्प्यूटेड लैंड होगा, वो हम अक्वायर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होना चाहिए ताकि हम अपने एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर सके। अब तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज है। हमारा एयरपोर्ट अगर हम बना रहे हैं तो हमारे एयरपोर्ट में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल यूटिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जैसे क्या? वाटर रिक्वायरमेंट, हर एक जगह है आपको वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि पावर की वजह से, पावर के बिना तो कोई स्ट्रक्चर आपका चल ही नहीं सकता, कोई एस्टैब्लिशमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आपको पावर देना पड़ता है, आपको वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, पावर प्रोवाइड करना पड़ता है, टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सीओएस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स जो हैं, इनका एक अपना पावर बैकअप होता है। कमर्शियल पावर तो होता ही होता है इनके पास, और प्लस इनका अपना एक पावर जनरेटिंग बैकअप होता है, एक पावर जनरेटिंग प्लांट होता है, ताकि अगर कभी हम उनका कमर्शियल सोर्स फेल हो जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा बैकअप रह सके पावर का, ठीक है। और क्या है, एक नई साइट, अगर हम नई साइट सिलेक्ट कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास अवेलेबल सीवर्स नहीं है, हमारा सीवेज सिस्टम वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप एक एयरपोर्ट बना रहे हो, आपको जरूरी पहले कंस्ट्रक्ट अपना सीवर सिस्टम कर देना है, ठीक है। तो ये सारी अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज होनी चाहिए। हम ये सारी यूटिलिटीज अवेलेबल रख अगर सकते हैं अपनी एक साइट में, तो वो हमारी सूटेबल साइट हो जाएगी एयरपोर्ट के लिए। अगर ऐसे मान लीजिए एक डेजर्टी एरिया में है, आपको वहां पर एयरपोर्ट अपना बनाना है, वहां पर वाटर की स्केर्सिटी होगी, आप वाटर अवेलेबल नहीं कर पाओगे लोगों को, तो वो साइट जो है वो फिजिबल नहीं होगी आपकी एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरियाज का। आपका जो एयरपोर्ट है, इसकी विसिनिटी में आपके कौन से एरियाज डेवलप हो रहे हैं? क्या आपके एयरपोर्ट की विसिनिटी में स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स डेवलप हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं? वो आपको कंसिडर करना पड़ता है आपको एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन जब आप कर रहे होते हो। एयरपोर्ट की सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि आपका एयरक्राफ्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है, एंड नॉइज इज अ पोल्यूशन, ठीक है। तो आपकी विसिनिटी में अगर रेजिडेंशियल एरिया है आपका, और उस रेजिडेंशियल एरिया में आप अपना एयरपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वो फिजिबल साइट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नॉइज प्रॉब्लमैटिक होगी टू द पीपल लिविंग इन दोज रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना होता है रेजिडेंशियल एरियाज में एयरपोर्ट बनाने की, या स्कूली एरियाज में अपना एयरपोर्ट बनाने की, ठीक है। ऐसे जो एरियाज हैं वो अवॉइड करने होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट, ठीक है। क्योंकि आजकल अब जेट एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, ठीक है, और जेट एयरक्राफ्ट जो है उनमें जो प्रॉब्लम ऑफ नॉइस है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो चुकी है। इसीलिए हमें एयरपोर्ट जो रेजिडेंशियल एरियाज जहां लोग रहते हो, ठीक है, वहां से बहुत दूर कंस्ट्रक्ट करना होता है ताकि उनको नॉइस अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो जो अब मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट्स है, वो भी इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जो नॉइस पोल्यूशन इन एयरक्राफ्ट्स की वजह से हो जाता है वो लोग कम कर ले। इसीलिए हमें डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरियाज कंसिडरेशन में रखना होता है कि जहां हम अपनी साइट सिलेक्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट की, वहां का जो सराउंडिंग एरिया है उसमें डेवलपमेंट किस किस्म की हो रही है, क्या वेजिटेशन डेवलपमेंट है या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, कमर्शियल डेवलपमेंट है, वो हमें कंसिडर करनी होती है। उसके बाद हम अपने एयरपोर्ट की साइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो कि हमारा इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या? हमारा हमेशा मकसद एक ही रहता है कि हमारी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बन जाए, हमारा इकोनॉमिकल एस्टैब्लिशमेंट बन जाए, हमें खर्चा कम करना पड़े। वो हमें कैसे होता है? मान लीजिए आपकी जो आपको साइट मिल रही है, आपको दो साइट्स मिल रही है, ठीक है, दो साइट्स आपको मिल रही है। एक तो आपको एक वाटर लॉग्ड साइट मिल रही है, आपको एक वाटरलॉग्ड साइट मिल रही है, और दूसरा आपको जो टेरेन मिल रहा है वो नेचुरल ग्राउंड का मिल रहा है, ठीक है, वो नेचुरल ग्राउंड का। एक तो आपको वाटरलॉग्ड एरिया मिल रहा है और आपको नेचुरल ग्राउंड मिल रहा है। तो इन दोनों में अगर आपको साइट अपनी चूज करनी हो, आप नेचुरल ग्राउंड ऑब्वियसली सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको जो वाटरलॉग्ड पोर्शन ऑफ लैंड अगर आप ले लेते हो तो इसमें आपको ड्रेनेज फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसी में आपका सारा जो
इकोनॉमी है वो चला जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकल नहीं बनेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल ग्राउंड्स ही सिलेक्ट किया करें अपने एयरपोर्ट के लिए, ताकि हमें जो ड्रेनेज एक्सपेंसेस है वो हमारे कम हो जाए और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल बन जाए। उसके बाद अगर आपको अनइवन टेरेंस मिल रहे हैं, अनइवन टेरेंस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एलिवेशंस हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशंस हैं, जिसमें लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको आती हैं, ठीक है, लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आती हैं, तो इनमें आपको लेवलिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सकवेशन और फिलिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके कंपेरिजन में अगर आपको एक फ्लैट टेरेन मिल रहा है, एक इवन टेरेन मिल रहा है, दैट इज वेरी फिजिबल टू अस एज एन एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो है अनइवन टेरेन, ये बिल्कुल फिजिबल नहीं होता है हमारा इन द इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमी कंसिडरेशन में रखेंगे तो ये बिल्कुल फीजिबल नहीं रहता, ठीक है। और एक और चीज हमें इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखनी होती है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है। अगर हम ऐसी साइट अपनी सिलेक्ट कर दें जिस साइट के अराउंड हमें सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मिल जाएं इजीली, तो उसकी वजह से हमारा क्या चार्ज कम हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज कम हो जाएगा, लेबर का चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी ऐसी साइट हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके अराउंड हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बहुत आराम से मिल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो फीजिबल साइट सिलेक्शन फॉर आर एयरपोर्ट। तो यह था पांचवा। अब हम छठे पर चलते हैं, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी है सिक्स्थ पॉइंट हमारा, जो कि हमें एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन में देखना होता है। देख लीजिए, एयरक्राफ्ट की मदद से हमारे घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है, ठीक है, दिनों का सफर घंटों में तय हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हम एक्सेसिबल बहुत हो चुके हैं मैं आप कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रेवल करने में। लेकिन अब अगर आपकी साइट, जो हमने इससे पहले पांच पॉइंट्स डिस्कस किए, मान लीजिए आपकी वो साइट सारी फुलफिल हो गई, लोगों से दूर, रेजिडेंशियल एरिया से दूर अपनी साइट सिलेक्ट कर ली, आपका वो इकोनॉमिकल भी बन गया, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी अवेलेबल हो गए, आपकी सारी यूटिलिटीज भी प्रोवाइड हो गई, एक्सपेंशन के लिए लैंड भी अवेलेबल हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी ठीक है, तो बना दिया। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका एक पोर्शन ऑफ लैंड है, ये आपको जो रेजिडेंशियल एरिया जहां लोग रहते हैं उससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर किसी पहाड़ी पे ये जमीन आपको मिल गई, जिसमें आपको ये पांचों पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं, और आप बहुत दूर जंगलों में ये बना रहे हो, ये लैंड आपका मिल गया, सारे आपको फुलफिल हो रहे हैं फीचर्स, और आप बहुत दूर चले गए अब ये एयरपोर्ट बनाने में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी में हो जाएगी, कि जमीन पे लोग नहीं पहुंच पाएंगे एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट में सिर्फ उन लोगों को काम नहीं होता है जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, डिफरेंट मुल्कों का सफर करके आ जाते हैं, बल्कि एयरपोर्ट में विजिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको एयरपोर्ट जाना होता है, तो उनके लिए ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ये एयरपोर्ट हमें वहां पर सिलेक्ट करना है, साइट जहां पर लोग इस तक पहुंच पाए। हम कहीं पहाड़ टीले पे जाकर अपना एयरपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां लोग एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, वहां हम लोगों की एक्सेस नहीं रख सकते, ठीक है। तो वहां पर हमें फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसी जगह पे हमें अपना एयरपोर्ट बनाना है जहां लोग आराम से आ सके और जा सके, जहां विजिटर्स आ सके और जा सके, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी हो गया। सातवां हमारा जो साइट सिलेक्शन के लिए हमारा एक पॉइंट है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट्स। प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट्स का क्या मतलब है? आप एयरपोर्ट्स को ऐसे लाइन में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, एक एक मीटर की डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट्स नहीं डाल सकते। एक मीटर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल चार मीटर पांच मीटर के डिस्टेंस पे आप अपना एयरपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों ऐसी क्यों प्रॉब्लम है हमें? क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट्स मैनोवर कर रहे होते हैं इन द एयर स्पेस, ठीक है। एयर स्पेस में हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, अगर हमने बहुत क्लोजली डेंसली रख दिए अपने एयरपोर्ट्स, तो क्या हो सकता है, जो एयर स्पेस में हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो आपस में टकरा सकते हैं, ठीक है। अगर डेंसली सिचुएटेड हमारे पास अगर डेंसली सिचुएटेड एयरपोर्ट्स हैं, या हम कहते हैं अगर हम सैपलिंग्स ग्रो करते हैं जमीन में, वो भी हमें ज्यादा साथ साथ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर इंटरमिंगलिंग हो जाती है रूट्स की, वो ग्रो नहीं कर पाते। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी हम एयरपोर्ट्स को इकट्ठे डेंसली नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। क्यों?
क्योंकि जो हमारे एयर स्पेस में फिर हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएंगी, वहां एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इन एयरपोर्ट्स के बीच में जो स्पेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि हम इन एयरपोर्ट्स में हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितना आ रहा है और टाइप ऑफ एयर ट्रैफिक कैसा है, कि किस किस्म के एयरक्राफ्ट हमारे एयरपोर्ट्स पे लैंड करते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने इन एयरपोर्ट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रखेंगे। तो मिनिमम स्पेसिंग जो एयरपोर्ट्स के बीच में हम रख सकते हैं, दैट इज 3.2 किलोमीटर मिनिमम स्पेसिंग। 3.2 किलोमीटर से कम हम स्पेसिंग नहीं रख सकते हैं। सो 3.2 किलोमीटर इज द मिनिमम स्पेसिंग दैट वी हैव टू कीप बिटवीन आवर एयरपोर्ट्स, ठीक है। 3.2 किलोमीटर से कम आप अपने एयरपोर्ट्स को नहीं रख सकते। एट्थ हमारा जो है दैट इज रीजनल प्लान। रीजनल प्लान का क्या मतलब है? मतलब आपको एयरपोर्ट, अपना एयरपोर्ट एक ऐसी जगह, आप एक साइट सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो आप मोस्ट प्रेफरेबली आप ऐसी जगह पे अपना एयरपोर्ट एस्टैब्लिश कीजिए जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड रीजन हो, जो कि मैप्स में हमें दिखता हो रीजन, ताकि वो एक नेशनल एयरपोर्ट नेटवर्क में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसी जगहों पे अपना एयरपोर्ट एस्टैब्लिश करते हो विच आर नॉट यू नो जो रीजनल प्लान में आपकी नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आपकी रीजनल प्लान में नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप वहां अपना एयरपोर्ट एस्टैब्लिश करते हो तो वो मैप पे शो नहीं करेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं होंगी नेशनल एयरपोर्ट नेटवर्क में, वो एक नेटवर्क नहीं बनाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो मोस्ट प्रेफरेबल साइट सिलेक्शन होगा वो वहां पर आप कीजिए जो आपके रीजनल प्लान में शो करे, जो फिट हो सके अप्रोप्रिएटली आपके रीजनल प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल जियोटेक का कॉन्सेप्ट। यहां भी आपको वो सॉइल सिलेक्ट करनी है अपने एयरपोर्ट के लिए जो सेल्फ ड्रेन्ड हो, क्योंकि एयरपोर्ट में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रेनेज की हो जाएगी। अगर हमारा वाटर लॉग हो गया रनवे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हमें ऐसी सॉइल सिलेक्ट करनी है जो खुद ब खुद ड्रेन, सेल्फ ड्रेनेज जिसमें हो सके, ठीक है। और क्या एक तो सेल्फ, इसमें सेल्फ ड्रेन हो सके, तो ऐसी कौन सी सॉइल है? ऐसी वो सॉइल है, फॉर एग्जांपल हम ग्रेवल और सैंड की बात करते हैं, ये पर्वियस मटेरियल होते हैं। इनमें अगर एक नेचुरल बाइंडर आ जाए, ग्रेवल और सैंड और एक नेचुरल बाइंडर आ जाए तो ये बेस्ट डिजायरेबल है। यहां पर मैं लिख दूं, ग्रेवल प्लस सैंड प्लस एक बाइंडर अगर हम ले लें, ठीक है, एक नेचुरल बाइंडर, दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर द एयरपोर्ट साइट। और मोस्ट अनडिजायरेबल क्या है? मोस्ट अनडिजायरेबल वो सॉइल है जिसमें सेटलमेंट ज्यादा हो जाएगी, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, जैसे अगर वो वेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम क्ले की बात करें, क्ले अगर वेट हो गई क्ले में तो वो क्या हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाती है, और अगर वो डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मेशन की वजह से हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एयरपोर्ट में आ सकती है, बहुत हैजार्डस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और क्या हमें सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने होते हैं? कि वो साइट्स जिनमें आपका वाटर टेबल हाई होगा, वहां पर आपको बहुत कॉस्ट लगाना पड़ता है, बहुत इकोनॉमी खर्च करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको सब सॉइल ड्रेनेज वहां पर प्रोवाइड करनी है। अगर आपका वाटर टेबल हाई है मतलब आपका वाटर लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, जमीन पर आपका पानी बहुत जल्दी आ जाएगा, जिस वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी। इसलिए आपको क्या प्रोवाइड करना होता है? सब सॉइल ड्रेनेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और क्या है, अगर हमारी एक वैली साइट है, वैली साइट में क्या हो जाएगा? वैली साइट सेलेक्ट करते हो अपने एयरपोर्ट साइट के लिए, इसमें आपको क्या प्रोवाइड कर, इसमें आपको वैली साइट में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम मैक्सिमम कोशिश क्या करेंगे कि हम अपना एयरपोर्ट एक एलिवेशन पे प्रोवाइड कर सके। एलिवेशन जब हम एक एलिवेशन पे प्रोवाइड करते हैं अपना एयरपोर्ट, एक तो ड्रेनेज भी आराम से हो जाती है बाय वर्चू ऑफ ग्रेविटी हो जाती है, और विजिबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। अब हम लास्ट के तीन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10, दैट इज सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस। अब ये हमारे लास्ट के तीन पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने होते हैं साइट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। जब भी आप अपने एयरपोर्ट साइट को चूज करते हो तो आपको ये देखना होता है कि क्या उस साइट के इर्द गिर्द कहीं हमारे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस ऐसे तो नहीं है जो इंटरफेयर करेंगे विद आर लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑपरेशंस। अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड हैं, लार्ज बिल्डिंग्स हैं, लार्ज टावर्स हैं, तो हमें क्या करने पड़ते हैं? वी हैव टू ले देम डाउन, ठीक है। हम उनको स्ट्रक्चर्स को वैसे ही रख के अपना एयरपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी लैंडिंग और टेकिंग ऑफ में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें वी हैव टू ले देम डाउन, ठीक है। और अगर फ्यूचर इरेक्शंस हमें करनी पड़ी, फ्यूचर में बिल्डिंग्स बनानी पड़ी, टावर्स बनाने पड़े, तो हमें जोनिंग करनी पड़ती है कि किस जोन तक आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो वो जोनिंग करनी पड़ती है,
एक तो वो जोनिंग करनी पड़ती है, और क्या करनी पड़ती है, और हाइट हाइट रेस्ट्रिक्शंस आपको रखनी पड़ती है कि आप इतने मीटर्स या इतने फीट के ओवर आप नहीं जा सकते इन योर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर आप एक सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से बहुत फैटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शंस ट्रीज हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रिड टावर्स, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी एयरपोर्ट साइट जो है वो सेफ हो सके, ठीक है। या आ गया आपका सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, उसके बाद आ गई आपकी टोपोग्राफी। सबसे बेस्ट टोपोग्राफी जो आपके लिए फिजिबल होती है फॉर अ साइट सिलेक्शन, दैट इज रेज्ड ग्राउंड, दैट इज ऑन एन एलिवेशन। क्यों? उसमें क्या आपकी एडवांटेजेस हो जाती हैं? बेटर विजिबिलिटी हो जाती है, अगर फॉग होगा भी उसकी वजह से, उसके बावजूद आपकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी रहती है। इजी नेचुरल ड्रेनेज आ जाता है आपका, क्योंकि अगर आप रेज्ड लेवल पे हो, अगर आप रेज्ड लेवल पे हो तो क्या हो जाएगा, बाय द वर्चू ऑफ ग्रेविटी आपका ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, लेस ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है। अगर आप ऑलरेडी एक हायर लेवल पे हो तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस लोअर लेवल पे है, तो ऑब्वियसली आपकी ये साइट बेस्ट रहेगी आपके एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन के लिए। उसके बाद यूज ऑफ एयरपोर्ट भी डिटरमाइन करता है आपकी साइट सिलेक्शन, कि आपका मिलिट्री यूज है एयरपोर्ट का या यू नो सिविल यूज है एयरपोर्ट का। आपको ये एयरपोर्ट अपना उस साइट पे सिलेक्ट करना है कि एट द टाइम ऑफ वॉर, हमें पता है एट द टाइम ऑफ वॉर सबसे पहला चीज जो अटैक होता है वो एयरपोर्ट होता है, इसलिए हमें अपना एयरपोर्ट ऐसी साइट पर एस्टैब्लिश करना चाहिए जहां पर इसको मिनिमम चांसेस ऑफ अटैक हो, जहां पर इसको जहां पर ये एयर अटैक्स के दौरान सेफ रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। सो दीज वर द 12 पॉइंट्स जिन पे डिपेंड करता है हमारा साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट। इनकी मैं अगर आपको एक समरी दिखा दूं वो कुछ ऐसे थी। This was atmospheric and meteorological conditions, number one. Number second, availability of lands for expansion, availability of utilities, development of surrounding area, economy of construction, ground accessibility, presence of other airports, regional plan, soil characteristics, surrounding obstructions, topography, use of airport. So, ye sari cheeze humne explain kar di.